हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, सेकंड चैप्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर ये होता क्या है? तो सबसे पहले तो एटम क्या होता है? एटम की अगर हम बात करते हैं तो एक सबसे छोटा पार्टिकल जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, इसको हम एटम बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने एक थ्योरी बताई थी, उसमें आपको बताया था मैंने कि एटम को कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। सेकेंड चीज, अगर हम इसकी डेफिनेशन बोल रहे हैं तो डेफिनेशन ये बोली जा सकती है कि एक ऐसा पार्टिकल जो कि बहुत ज्यादा छोटा है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? एटम। ठीक है, मैं यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोटोटाइप बना देता हूँ। एटम एटम तीन चीजों से मिलकर बना होता है, वो आपको पता ही होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, प्रोटॉन ही बोलते हैं और न्यूट्रॉन ही बोलते हैं। एटम को हम बोलते हैं परमाणु। ठीक है, अब परमाणु या एटम इसका नाम क्यों पड़ा? तो परमाणु या फिर एटम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ग्रीक वर्ड में एटम एक ऐसा छोटा पार्टिकल होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ सबसे छोटा अगर कुछ होता है तो उसे एटम बोला जाता है। जब हमने डाल्टन ने एटम को डिस्कवर किया था तो उन्होंने ग्रीक से एक वर्ड लिया था एटम, जो कि सबसे छोटे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया? एटम। कनक नाम के हमारे वैज्ञानिक थे भारत के, उनने अणुजग को भी परमाणु पर थ्योरी दे रहे थे, परमाणु के बारे में उन्होंने बताया था। तो उन्होंने क्या बोला था? बहुत सबसे छोटा पार्टिकल है, छोटे पार्टिकल को अणु बोलते हैं, इसलिए उन्होंने इसको क्या बोला? परमाणु, मतलब परमाणु। ठीक है, तो एटम का एक तरीके से हम नाम इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। हिंदी में जो परमाणु नाम दिया था वो कनक आचार्य कनक ने दिया था, जबकि एटम की अगर हम बात करते हैं तो वो किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। एटम तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबको पता ही होगा नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता है? जीरो चार्ज होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, मैं आपको बता चुका हूँ कि एटम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइडेड रहता है। अगर यहाँ पर कोई भी एक पार्टिकल एब्सेंट है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, अगर कोई एटम है, मान लो ये एटम है और इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयन। क्यों पॉजिटिव आयन बोलेंगे? क्योंकि इनकम्प्लीट एटम को ही क्या बोला जाता है? आयन बोला जाता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब प्लस साइन, तो पॉजिटिव आयन। वहीं कोई ऐसा एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव आयन। ठीक है, नेगेटिव आयन इसे बोल सकते हैं। अब इसी तरीके से एटम में हम आगे बढ़ते हैं, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, क्या हुआ, इससे पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव के पीछे रिलेशन देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, कौन सा चार्ज होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता कैसे चला? तो चैप्टर जब आप स्टार्ट कर रहे हो, हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, चैप्टर हम जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही चैप्टर में दिया हुआ है डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और इसके बाद दिया हुआ है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब स्टडी ऑफ कैथोड रेज भी हम उसे बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? देखो, एटम की डिस्कवरी से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसके जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जिसे हम बोल सकते हैं कैथोड रेज की डिस्कवरी। ठीक है, कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई? तो पहले भी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि जब भी कैथोड रेज या फिर मैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करता हूं तो वहां पर एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट होता है, उससे कैथोड रेज की डिस्कवरी की गई थी। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किस टाइप से होता है? मैं एक बार यहां पर एक प्रोटोटाइप बना देता हूं उसका। सिंपल, यहां पर एक हमने एनोड रखा है और कैथोड रखा है,
तो ये हो गया हमारा कैथोड और ये हो गया हमारा एनोड। ठीक है, इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर ये हो गया निर्वात पंप, और हम क्या बोल सकते हैं एनोड हो गया, कैथोड हो गया। तो यहाँ पर ठीक है कुछ इस टाइप से एक्सपेरिमेंट था। इसमें हो क्या रहा था इसकी पूरी प्रोसेस एक बार मैं बता दूंगा अभी। ठीक है देखो, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हमने क्या किया था, एनोड और कैथोड को एक उसमें बंद ट्यूब में रखा था। ठीक है, विसर्जन नली का प्रयोग भी इसे हम बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब की जगह पर डिस्चार्ज ट्यूब को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, विसर्जन नली। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ट्यूब, या फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं विसर्जन नली, विसर्जन नली का एक्सपेरिमेंट तो का प्रयोग। ठीक है, अब एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था ये मैं बताता हूँ। आज हम कैथोड रेस पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अच्छे से। हमने यहाँ पर क्या किया था, इन इलेक्ट्रोड्स पर हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर विसर्जन नली के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स रखे थे, एक था हमारा कैथोड और एक एनोड। ठीक है, अब इसमें सिंपली हमने क्या दिया था, इसे इलेक्ट्रिक चार्ज दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज दिया था मोर देन 10,000 वोल्ट। ठीक है, जिससे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जा सके। तो यहाँ पर आपने जैसे 10,000 वोल्ट से ज्यादा गया, 10,000 वोल्ट इसे करंट दिया था, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ से कुछ रेज निकली और यहाँ पर पहुंची। अब इन रेज का हमें पता कैसे चला, तो सबसे पहले ठीक है एनोड पर पड़ रही थी। ठीक है, सेकंड सबसे पहले यहाँ पर एनोड पर पड़ रही थी तो कुछ स्पार्किंग हमें देखने को मिल रही थी, तो हमने सोचा कि यहाँ पर कोई ना कोई गैस या कोई ना कोई रे वहां पर प्रेजेंट जरूर है जो कि ये स्पार्किंग कर रही है, जो कि चिंगारी वहां से निकाल दी। तो हमने इसी को पहचानने के लिए क्या किया, एनोड में कुछ होल्स किए। ठीक है, इसमें क्या किए, कुछ होल्स किए और पीछे एक कांच की क्या रख दी, प्लेट रख दी। कांच की प्लेट रखने से जैसे ही ये रेज इधर एनोड के पास आई तो उन होल्स के थ्रू, उन छिद्रों के थ्रू क्या हुई, वो कांच की प्लेट पर पड़ी और वहां पर ग्रीन कलर की लाइट जैसा कुछ देखने को मिला। तब जाकर हमें पता चला कि वहां पर कुछ रेस थी, इन रेस को फिर आगे एग्जामिन किया गया, इन पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तब जाकर हमें पता चला कि ये रेस जो है वो कौन सी रेस है, कैथोड रेस। इसका नाम क्या दिया गया, कैथोड रेस। कैथोड रेस क्यों बोला गया इसे, क्योंकि ये कहां से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है। ठीक है, इनको कहां से, ये कहां से निकल रही है रेस, कैथोड से निकल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं हम कैथोड रेस। अब इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज है, कई सारी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, देख करके मैं प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कैथोड रे किससे मिलकर बनी हुई है, मेटल से, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब कैथोड रे वहां से निकली थी, कैथोड से जैसे ही कैथोड रे यहाँ से पास हुई थी, तो हमने बीच में एक बार क्या किया था एक्सपेरिमेंट में, हमने एक पंखा रख दिया था। ठीक है, हमने एक पंखा रख दिया था। अब जैसे ही कैथोड रे वहां से निकली थी, ये पंखे को क्या करती गई, वो घुमा के गई। अब इसका मतलब क्या है कि कैथोड रे जो है वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। जैसे ही वो वहां से गुजरी तो इतने सारे पार्टिकल्स किस पर बौछार हुई, जिससे ये पंखा क्या करने लग गया, घूमने लग गया। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये कि कैथोड रे आर मेड अप ऑफ स्मॉल मैटर्स, या फिर मैटर्स पदार्थ से मिलकर बनी हुई है कैथोड रे। अब कैथोड रेस को सिंपली बोला जाता है कैथोड किरणें। पहली प्रॉपर्टी जो इसकी, पहली प्रॉपर्टी तो मैंने बताई थी कि कैथोड रेस या फिर कैथोड किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी है। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, कैथोड रेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स having some mass, या फिर small particles भी लिखोगे तो चलेगा, small particles या फिर मैं matter लिख सकता हूँ। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे तो कैथोड किरणें
छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी है। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम पहली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, तो कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। इसका मतलब कैथोड रेज जो होती है वो सिंपल लाइन में क्या करती है, पास होती है या फिर सिंपल लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे कि ये कैथोड रेज है, तो इसको एग्जामिन करने के लिए हमने क्या किया था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बीच में क्या रख दिया था, एक सॉलिड रख दिया था। अब वो कुछ भी सॉलिड हो सकता है, यहाँ पर एक पत्ता रख सकता हूँ मैं, या फिर एक ईंट रख सकता हूँ, कुछ भी सॉलिड में रख सकता हूँ। इससे हुआ क्या, जैसे ही कैथोड रे उस पर पड़ी तो उसकी जो परछाई है, उसकी जो शेडो है, वो उसके जस्ट पीछे बनी। इसका मतलब क्या है, अब जैसे अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सामने से मेरे ऊपर लाइट आएगी तो मेरी परछाई कहाँ बनेगी, पीछे। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट सामने से आनी चाहिए, इधर से अगर लाइट आएगी तो मेरी परछाई कहीं अलग डायरेक्शन में बनेगी, और इधर से कहीं लाइट आएगी तो मेरी परछाई कहीं अलग डायरेक्शन में बनेगी, मेरी शेडो कहीं और बनेगी। लेकिन अगर सामने से लाइट आएगी, सीधे वे में लाइट आएगी, तो ही मेरी परछाई जस्ट पीछे बनेगी। ठीक है, तो इसी कारण से हमने ये पता लगाया, जैसे ही हमने यहाँ पर सॉलिड रखा तो कैथोड रे जैसे इससे टकराई तो इसकी शेडो हमने कहाँ बनाई, इसके जस्ट पीछे। तो इससे ये साबित हो गया कि जो कैथोड किरणें होती है वो सरल रेखा में गमन करती है, मतलब सिंपल लाइन में क्या करती है, वो ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कैथोड रे ट्रेवल इन सिंपल लाइन। ठीक है, या फिर सिंपल पाथ में बोल सकता हूँ, कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, तो कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। अब ये हमें पता कैसे चला, कैथोड किरणों को जब किसी विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो ये किरणें विद्युत क्षेत्र के धनात्मक प्लेट की ओर विचलित होकर मुड़ जाती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि कैथोड किरणें किरणों की प्रकृति ऋणात्मक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मैं रफ कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि कैथोड रेस पर हमेशा साइन कौन सा होता है, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पर भी साइन कौन सा होता है, नेगेटिव। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से जुड़ी हुई है कैथोड रेस से, कैसे मैं बता रहा हूँ, जब भी कैथोड रेस को गुजारा गया या फिर पास किया गया एक ऐसे मीडियम से जहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैं क्या दे देता हूँ पॉजिटिव, और यहाँ पर मैं क्या दे देता हूँ नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव पोल हो गया, नेगेटिव पोल हो गया, दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। जैसे ही कैथोड रेस को इनसे गुजारा गया, इनसे पास किया गया, तो कैथोड रेस जो थी वो कहाँ चली गई, पॉजिटिव पॉइंट की तरफ मुड़ गई। आपको सबको पता ही होगा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इससे हमें ये पता चला ये रेस कौन से मीडियम की थी, कौन सा चार्ज था इनपे, तो माइनस चार्ज था, जिसकी वजह से ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो गई। तो ये भी सिंपल सा पॉइंट हो गया, जिसको हमने क्या बोला, कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती है। अगला पॉइंट पढ़ते, कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। कैथोड रेज ऑलवेज शो हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का हमने कैसे पता लगाया, तो जैसे ही कैथोड रेज जब ट्रैवल कर रही थी तो हमने एक बहुत पतली सी क्या रखी, उसके सामने प्लेट रखी। ठीक है, जैसा हमने सॉलिड रखा था उसी टाइप का हमने क्या रखा, यहाँ पर एक प्लेट रखा। जैसे ही कैथोड रेज इसके पार गई, मतलब इसको पास करते हुए गई, तो हमने इस प्लेट को जैसे ही टच किया तो वो क्या थी, बहुत ज्यादा गर्म थी। इसका मतलब कैथोड रेज अगर कहीं पर पास हो रही है किसी चीज से तो वो क्या शो करती है, हीटिंग इफेक्ट शो करती है, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इसके बाद बहुत छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है, जैसे कि कैथोड किरणों का एक्सरे में भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ से पास थ्रू हो जाती है और उसकी पिक्चर हमें दे सकती है।
तो इस तरीके से इसकी कई सारी और प्रॉपर्टीज हैं। जो मेन प्रॉपर्टीज थी वो हमने यहाँ पर पढ़ ली है। अब कल हम पढ़ने वाले डिस्चार्ज ट्यूब से ही, डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट था उससे हमने एनोड रेज, या फिर मैं बोल सकता हूँ एनोड रेज किस तरीके से डिस्कवर की, जिन पर कौन सा साइन होता है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, कल का लेक्चर आएगा।